महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए नेशनल हाईवे 53 में चट्टी गिरोला के पास एक ट्रक से 10 क्विंटल 5 किलो गांजे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2,01,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से एक ट्रक, दो मोबाइल और 4,700 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी नारियल की बोरी के पीछे गांजा छुपाकर ले जा रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो गांजा लेकर ओडिशा से अमरकंटक जा रहे थे। सिंघोड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जो दो आरोपी मिले दोनों उड़ीसा के हैं, और अभी तक की जो महासमुंद पुलिस ने जो गांजा पर से जो कार्रवाई की, अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। और बैतूल के